अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक माई न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरी खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका है। मैं जो हूँ आज बनाने लगी हूँ पास्ता, और वो भी इन वाली सेवइयों का पास्ता टाइप बनाऊँगी। देखते हैं कि कैसे बनता है। पहले मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी प्याज। मैंने दो प्याज काटे हैं जो मैं इसमें डाल दूँ। आपने पास्ता तो खाया होगा, पर आपने इन सेवइयों का जो है पास्ता नहीं खाया होगा। दूसरे किस्म के पास्ते होते हैं, हर डिफरेंट टाइप्स के। तो आज मैं इन सेवइयों के का पास्ता बनाकर दिखाऊंगी, ठीक है। और ये मैंने इंग्रेडिएंट रखे हुए हैं। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये मैंने दो टमाटर काटे हैं। ये हाफ के जी चिकन है। ये 3 स्पून जो हैं उसके हैं दही के। ये मैंने कुटी मिर्चें 1.5 स्पून रखा हुआ है। ये मैंने 1.5 स्पून जो है सॉल्ट रखा हुआ है। और ये मैंने 1/2 स्पून कुटी वो काली मिर्चें रखी हुई हैं। और ये जीरा रखा हुआ है 1 स्पून। और साथ में ये कढ़ाई गरम कर रही हूँ। ये गरम हो जाएगी, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के जो सेवइयाँ हैं इसमें मैं हल्का सा इनको फ्राई कर दूँगी। ये देखें, ये हल्का इस तरह से ना हम फ्राई कर रहे हैं। हल्का हल्का सा ना, लाइट सा फ्राई करना है, ज़्यादा तेल भी नहीं होना चाहिए। और ये हल्का सा ना बस जैसे भून लेते हैं, हल्की सी फ्राई कर लेते हैं, वैसे करना है हल्का सा फ्राई। देखिए ये प्याज भूने हैं, लाइट ब्राउन होता है। अब इसमें जो है हम डाल देते हैं चिकन। चिकन से पहले हम वो भी डाल सकते हैं। चिकन डाल दिया है इसमें। यहाँ ये भी फ्राई हो गई है। इस तरह से ना इनका लाइट सा कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। चिकन हमने डाल दिया है। अब हम इसमें डाल रही हूँ नमक। पहले नमक डाल रही हूँ, फिर जो है दूसरी चीज़ें मसाले डालूंगी। चिकन ना हो गया लाइट सा। अब हम इसमें डाल रहे हैं टमाटर। ये देखेंगे भून हो गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब मैं इसमें डाल दी हूँ दही। और साथ में जो सारे जो इंग्रेडिएंट बताए थे मसाले, वो मैं डाल दी हूँ इसमें। कुटी मिर्चें, काली मिर्चें और धनिया। ये अब मैंने इसमें जो है ये सेवइयाँ डाल दी हैं। और अब इसमें मैं पानी डाल दी हूँ। सेवइयाँ डाल दी हैं और पानी जो है मैं इससे, ये सेवइयाँ इसमें तहरेंगी नहीं। मैंने जो है दो पैकेट लिए हैं, तो दो पैकेट में मैंने समझे 3 गिलास डाले हैं, ठीक है। ज़्यादा भीगे ना सेवइयाँ, जैसे चावल होते वैसे नहीं। तो ये बहुत से हम दम के लिए रख देंगे। ये हमारा पास्ता तैयार हो गया था। तो अब जो है मैंने इसमें जो है चीज़ लगा दी है, मोज़रेला चीज़ लगाई है मैंने इसमें। और अब मैं इसको जो है 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी दोबारा से, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है हमारा पास्ता रेडी हो गया है। ये चीज़ी और हमने थोड़ा सा केचप डाल दिया है इसके अंदर। अब हम आपको जो है ये दिखाते हैं। ये देखें, ओ माय गॉड, यम्मी, बहुत मज़े का होगा। ला चेक करके दे बताती हूँ मैं आपको कि कैसा बना है। बहुत यमी बना है। आप लोग लाजमी घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा बना है। और बहुत ये आसान सी डिश है और सिंपल लो बजट डिश है। इसमें कोई इतनी कोई एक्सपेंसिव चीज़ नहीं डली हुई। चीज़ भी अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, चाहें तो डाल लें, कोई इशू नहीं है।
इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट लाजमी कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।